हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं ये वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। ये हमारा पैटर्न 2 कलर में बनकर आता है। ये हमारा पैटर्न 6-6 के मल्टीपल के फंदों में बना है, प्लस 2 करके। ये हमारे बीच में 6 फंदा रहेगा और यहाँ 2 फंदे, 2 फंदे हम स्लिप करेंगे। 6 फंदे यहाँ बीच में 4 सिलाई बुनेंगे। बीच में हमारा येलो वाला कलर दिख रहा है, ये हम 4 सिलाई बुन लेंगे। यहाँ नीचे हमने 2 सिलाई सीधी सीधी बुन ली है। इसके ऊपर से हमने पिंक कलर ऐड करके अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट किया है। जैसे हमने यहाँ नीचे पे बनाया है, नीचे से बनाना स्टार्ट किया है, ऐसे ही हम आपको यहाँ से रिपीट करके बताएंगे। जैसे हमने यहाँ नीचे बनाया है, फिर ये बीच में बनकर आएगा, बीच बीच में, फिर वो जैसे हमने नीचे बनाया इस तरह से, फिर यहाँ ऊपर से आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हम येलो वाला कलर ऐड करेंगे। यहाँ पहले हम 2 फंदा स्लिप कर लेंगे, पिंक वाला कलर जो हमारा है, 2 फंदे स्लिप करेंगे। छः फंदा सीधा बुन लेंगे, 3, 4, 5, 6। छः फंदा हम येलो वाले कलर से स्टिच करेंगे, फिर 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदे। जैसे हमने यहाँ पे 6 फंदे सीधे बुने हैं, 2 फंदे स्लिप करे हैं, इसी तरह हम पूरी रो रिपीट करेंगे, इसी तरह बुनेंगे। यही वाला हमें 7-8 फंदे यही लेकर चलना हमको, 6 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 फंदे स्लिप करने हैं। यहाँ लास्ट में हम 6 फंदे येलो कलर से सीधा बुनेंगे, लास्ट में हमारा 1 फंदा बचता है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड से जो हमने स्लिप किया है उसे हम स्लिप करेंगे, जो हमने बुना है उसे हम उल्टा बुन लेंगे। 6 फंदा उल्टा बुनेंगे, दो फंदा हम स्लिप कर लेंगे। बैक साइड से हमने सेकेंड रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब जो हमने स्लिप किया था उसे हम स्लिप कर लेंगे। थर्ड रो में 6 फंदे जो हमने सीधे बुने हैं उन्हें हम सीधे बुनेंगे, सीधा बुन लेंगे। 6 फंदे सीधे बुन के 2 फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है सीधी साइड से। अब हम बैक साइड से 1 फंदा स्लिप करेंगे, जो हमने उल्टा बुना है उसे हम 6 फंदा उल्टा बुन लेंगे। दो फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर जो फंदे हम बुने हैं उन्हें हम उल्टे बुन लेंगे। फोर्थ रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम सीधी साइड से पिंक वाला कलर ऐड करेंगे, जो हमने स्लिप किया था उसे भी हमें बुन लेना है। सारे फंदे हमें पिंक वाले कलर से सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा फिफ्थ रो है। फिफ्थ रो हमने सीधी साइड से बुन लिया है। बैक साइड से पूरी रो हमें सीधी बुन लेनी है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, सारे फंदे हमें सीधे बुनकर कंप्लीट करने हैं। पूरी रो हमें सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। सिक्स रो हमने बुन लिया है। ये देखिए हमारा पैटर्न बनकर कितना प्यारा लग रहा है।
अब इसे लेडीज जैकेट, लेडीज कार्डिगन, बेबी स्वेटर, बेबी फ्रॉक में डालेंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब इसके आगे हम दूसरा वाला पैटर्न डालेंगे तो इस तरह से बनकर आएगा। जैसे हमारा यहाँ पे पहले बना है स्टार्टिंग में, तो मैंने इसके ऊपर ये वाला बताया है, फिर हमारा बीच बीच में बनकर आएगा, तो मैं आपको बनाकर बताती हूँ। पहले हमें येलो वाले कलर ऐड करके 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। सीधे बुन के 2 फंदा हमें स्लिप कर लेना है। अब यहाँ हमें बीच में 2 फंदा स्लिप करना है। पहले हमने स्टार्टिंग में स्लिप किया था, अब हम यहाँ बीच में करेंगे। 2 फंदा इधर रहेगा, 2 फंदा इधर रहेगा, बीच में 2 फंदे स्लिप करेंगे। फिर 6 फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर 2 फंदे हम स्लिप करेंगे। इसी तरह हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे बना के। और यहाँ पर हम लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, 2 फंदा स्लिप करेंगे। लास्ट के 3 फंदे इसे भी हम सीधा, लास्ट के 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर बैक साइड से हमें इसी तरह बुनना है। 3 फंदे हम जो बुने हैं वो बुन लेंगे, जो हमने स्लिप किया है वो स्लिप कर लेंगे। 4 सिलाई हमें इसी तरह बुनने हैं। फिर हमें पिंक वाला कलर ऐड करना होगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा पैटर्न बनकर कितना प्यारा आया है। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे।